वेलकम बैक टू योर चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि BTS सिर्फ एक म्यूजिक बैंड ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फिनोमेनन है। इनके गाने सिर्फ सुर और ताल नहीं है बल्कि हर लिरिक्स में वो जज्बात है जो हमें अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा देते हैं। RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक, इनकी अलग अलग शख्सियतें और स्टाइल इन्हें और भी खास बनाती है। साथ में कोरियन ड्रामा भी इंडिया में धूम मचा रहा है। उनमें से पार्क मिन यंग, एक ऐसा नाम जो हर के ड्रामा फैंस के लिए जाना पहचाना है, ने अपनी विविध कैरेक्टर फैंस को लगातार उत्साहित किया है, जिसमें हार्ट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी, किम हीलर, व्हेन वेदर इज फाइन और हर प्राइवेट लाइफ शामिल हैं। स्टूडियो ड्रैगन द्वारा निर्मित शो मैरी माई हस्बैंड में वना इन वू, ली क्यूंग और सॉन्ग हायो के साथ अभिनय करती हैं, जिसमें कांग जीवोन की भूमिका निभाई गई है। कई मीडिया रिपोर्ट के साथ एक विशेष बातचीत में पार्क मिन यंग ने इस भूमिका के लिए 37 किलो वजन कम करने के बारे में चर्चा की और अपने विचार शेयर किए कि जीवन में दूसरा मौका मिलने पर वह क्या करेंगी। कोरियाई स्टार ने 3 शो के बारे में भी बताया जिन्हें वह अपने करियर में मील का पत्थर मानती है और उन्होंने बॉलीवुड प्रोजेक्ट करने में रुचि भी व्यक्त की। जब उनसे पूछा गया कि अगर जीवन में दूसरी बार मौका मिले तो वह क्या करना चाहेंगी, तो मिन यंग ने कहा, मैं बस बुरी चीजों को ठीक करना चाहती हूँ, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और खुद से और अधिक प्यार करना चाहती हूँ। मिन यंग ने 3 दिलचस्प प्रोजेक्ट्स पर भी प्रकाश डाला जिन्हें वह अपने करियर में मील का पत्थर मानती है। उन्होंने 2006 में रिलीज हुई हाई किक को चुना और इसे मेरी शुरुआत कहा। सिटकॉम में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने सुंग क्यंगवान स्कैंडल 2010 को चुना जिसमें सॉन्ग जोंगकी ने सह अभिनय किया, जिसे उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में मेरी शुरुआत के रूप में संदर्भ किया। इसके बाद मैरी माई हस्बैंड 2024 को चुना, इसे वह काम जिसने मुझे वापस जीवन में ला दिया के रूप में वर्णित किया। अंत में जब उनसे भारत और बॉलीवुड फिल्मों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह भारत में भी किसी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। पार्क मिन यंग ने कहा कि अक्सर बॉलीवुड फिल्मों को संगीतमय फिल्मों के रूप में देखती हूँ। पार्क मिन यंग को लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि उनकी अपनी विशिष्टता और विशिष्टता है। पार्क मिन यंग बताती है कि मुझे मौका मिला तो मैं बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहूंगी। तो BTS आर्मी, आपको ड्रामा देखना पसंद है या BTS के म्यूजिक सुनना, हमें कमेंट में जरूर से बताना और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।